मित्रों नमस्कार, ग्रीन इंडिया ऑर्गेनिक फार्म्स के यूट्यूब चैनल में सभी साथियों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो इस बात पर है कि लंग्स की बीमारी में कैसे हार्ट अटैक आ सकता है। जी हाँ, इसी के बारे में आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जब भी हमारा जो लंग्स है किसी भी फ्लू या किसी भी वायरस के संपर्क में जब आता है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे जो इन्फेक्शन है वो किस तरह से धीरे धीरे सारे में फैलना शुरू होता है। ये हार्ट की संरचना है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। हार्ट के बेसिकली दो पोर्शन होते हैं, एक लेफ़्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है। तो जो राइट साइड होता है, जो आप नीले रंग की जो आप इसमें नसें देख रहे हैं, इन्हें पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। तो इनके थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है, वो लंग्स में यहाँ से जाता है। और जो रेड वाला आप देख रहे हैं, लेफ्ट वाला, शुद्ध होकर जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो यहाँ पर लंग्स इसमें हार्ट में हमारे आता है। अब जान लेते हैं कि संरचना किस प्रकार है। लंग्स हमारा पांच हिस्सों में होता है। तो जो राइट साइड वाला लंग्स है उसमें तीन लोब्स होते हैं, और जो लेफ्ट वाला साइड होती है उसमें दो लोब्स होते हैं। इन दोनों लंग्स के बीच में ही हमारा हार्ट जो है सिचुएटेड होता है। सेंटर में आप जानते हैं कि हमारा हार्ट सेंटर में होता है, और जिसकी हार्ट बीट हम थोड़ा लेफ़्ट साइड में अपने फील करते हैं, तो थोड़ा लेफ़्ट की तरफ सिचुएटेड होता है। अब लंग्स की भी संरचना देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जो पिक्चर में, जो आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा आपको वाइड करके दिखा देता हूँ। ये एक तरह का जो हमारी जो अंदर लंग्स होते हैं, इसमें ऐसे पैकेट्स होते हैं, जैसे आप मधुमक्खी के छत्ते में देखते हैं, तो उसी तरह के यहाँ पर पैकेट्स होते हैं। और इसी से जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है, वो इसी के अंदर जाके ब्लड के थ्रू होता है। अब जब हमारा लंग्स में न्यूमिनल फ्लूड आ जाता है, जब न्यूमोनिया में हो जाता है बेसिकली, या कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है और एक फ्लूड हमारे इन एल्वियोल्स में जब भर जाता है, तो हमारे जो लंग्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, तो अंदर हम सांस नहीं ले पाते हैं, तो जो लंग्स का जो फैलाव है वो बंद हो जाता है बेसिकली, यानी कि इनटेक ऑक्सीजन की कम हो जाती है। जैसे कि हम आज भी सब देख पा रहे हैं कि SpO2 जो लेवल जो है इस बीमारी में कम हो रहा है। इसे बेहतर तरीके से हम एक एक्सरे डायग्राम आपको शो कर रहे हैं, इससे भी आप समझ सकते हैं कि इस तरह की स्थिति। इतना वाइट वाला जो पोर्शन है, ये सब न्यूमिनल फ्लूइड है, यानी कि ये सब पानी भर गया लंग्स में। इसके बाद होता क्या है कि जब आपके एल्वियोल्स में जब पानी भर जाता है, या जब सरल भाषा में मैं कहूं कि जब आपके लंग्स स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो जो मैंने पहले दिखाया था आपको, जो ब्लड का जो पूरा सर्कुलेशन है, जो प्रेशर है, जो राइट साइड जो हमारा पुश करता है, जो हार्ट होता है उस पर प्रेशर बढ़ जाता है। उसके कारण क्या होता है कि हमारे जो राइट साइड का जो हार्ट है, उस पर प्रेशर होने की वजह से जब वो ज़्यादा प्रेशर देता है ताकि ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड वो लंग्स तक पहुंचा पाए, उस पर प्रेशर आ जाता है। तो इसी प्रेशर के कारण जो विशेष रूप से जो हमारे दिल के मरीज होते हैं, जिनको कोई भी किसी प्रकार की दिल की बीमारी होती है, उनको हार्ट फेलियर के चांसेस हो जाते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, आपको इसके लिए अपने लंग्स को हमेशा एक्सरसाइज करनी है। जो ब्रीदिंग होल्डिंग टेक्निक है उस पर वीडियो भी आएगी, और भी आप कई जगह से आप देख सकते हैं। जितने देर तक आप सांस रोक सकते हैं रोकें, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, 4 से 5 लीटर पानी पिएं, और एंटीऑक्सीडेंट फूड्स जितने भी हैं वो आप डाइट में लें। बेसिकली आपको हैवी जो भी खाना हैवी है, जैसे कि हाई फैट वाला जो खाना है, स्पेशली रिफाइंड ऑयल्स बिल्कुल अवॉइड करिए। और दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बेसिक वॉक करना है। ब्रिस्क वॉकिंग सुबह कर सकते हैं और खाने के बाद आप वॉक कर सकते हैं। और जो पोल्यूटेंट वाली जो भी कोई चीज़ है, या जो भी जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ से आपको पोल्यूशन फील हो रहा है, तो वो आपको अवॉइड करना है। आज के लिए केवल इतना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मैं क्वेरी सोल्व कर पाऊँ, इसलिए मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि बार बार सब लोगों के फ़ोन कॉल्स बहुत आ रहे थे कि लंग्स के डिजीज़ में क्यों और कैसे हार्ट अटैक आ जाता है। धन्यवाद। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।